नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपके बाल ही बहुत झड़ रहे हैं और बालों को डेड सेल्स हो गए हैं, तो आपको बालों को रुके और बेजान नजर आने लगे हैं, तो बालों को लंबा और घना बनाने के लिए आपको घरेलू उपाय अजमाइए, फिर देखिए आपके बहुत ही जल्दी आपके ये बाल ही लंबे और घने मजबूत बन जाएंगे। आइए जानते हैं कैसे। नंबर एक, अगर आपके बाल ड्राई और डैमेज है तो आप केले को ही मैश कर ही अपने बालों में अप्लाई करें या 15 मिनट बाद में ही शैम्पू कर ले। ऐसा करने से बाल सॉफ्ट और शाइनिंग बन जाएंगे। नंबर दो, एवोकेट्स को मैश करें और उसमें एक अंडा मिक्स कर ले। इसे गीले बालों में ही अप्लाई करें या 20-25 मिनट बाद में ही आपको बालों को धो लेना है। इसका उपयोग आप हफ्ते में एक दो बार कर सकते हो। ये बालों के लिए काफी हेल्दी और शाइनिंग होगा। नंबर तीन, अगर आपके बालों में डेंड्रफ हो गए तो आप नारियल का तेल में नींबू का रस मिलाकर आप अपनी सर की स्किन में मसाज करें और आधे घंटे बाद में आप शैम्पू कर ले। ऐसा करने से आपके डेंड्रफ से आपको छुटकारा मिल जाएगा पूरी तरह से। नंबर चार, डेंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा को भी गीले बालों में ही स्किन पर ही रगड़े और यहाँ कुछ देर बाद में ही आप बालों को धो ले। इससे डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं, इससे डेंड्रफ की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नंबर पाँच, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप बालों में दही को अप्लाई जरूर करें। ये करीब 2 चम्मच दही और 2 चम्मच आपको सेंध मिलाना है और यहाँ स्किन में मसाज करें। आधे घंटे बाद में ही आप बालों को धो लें। ऐसे करने से बाल का झड़ना बंद हो जाता है, बाल और मुलायम और मजबूत बनते हैं। नंबर छह, बालों को झड़ने से रोकने के लिए उपाय, प्याज के रस से ही स्किन की मसाज करें और करीब यहाँ 20-15 मिनट तक करें और यहाँ शैम्पू से धो लें। ऐसा करने से बाल मजबूत और हेल्दी बनते हैं। नंबर सात, बालों को लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको आंवले का पाउडर में नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना ले। इसे आप अपने बालों में सिर की जड़ों में अप्लाई करें। ऐसे करने से करीब आपको 20-15 मिनट के बाद में आपको शैम्पू कर लेना है। ऐसे करने से आपके बाल ही काफी स्मूथ हो जाएंगे। नंबर आठ, अगर आपके बाल ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट भी आप अपने बालों को ही धो लें। इससे आपके बाल ही बाउंस मिलेगा और यह एक्सोस ऑयल से निकल जाएगा। नंबर नौ, बालों को हेल्दी और सॉफ्ट बनाने के लिए आपको नारियल का तेल को ही गुनगुना करके बालों की मसाज करें, बाद में शैम्पू कर। नंबर दस, बालों को झड़ने से रोकने के लिए आपको लहसुन की कुछ कलियां लेना है और क्रश करके या नारियल के तेल में मिलाकर आपको 1-2 मिनट तक यह गर्म करें और ठंडे होने के बाद में आप इस मिश्रण को आप अपनी सर की स्किन में मसाज करो। आधे घंटे बाद आपको बालों को धो लेना है। उपाय आप हफ्ते में 1-2 बार कर सकते हो। इससे बाल का झड़ना ही बंद हो जाता है और स्किन भी काफी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ दोस्तों नई जानकारी लेके आपके साथ।